बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने लिया बड़ा फैसला और ऋषभ पंत को हटाकर तीसरे टी20 मुकाबले में हार्दिक पांड्या को बनाया भारतीय टीम का कप्तान। गाइस अगर आप भी चाहते हैं कि आईपीएल 2022 का टाइटल जीता था गुजरात टाइटंस की टीम ने और इसी तरह टी20 सीरीज को हार्दिक पांड्या भारतीय टीम को जिता दें तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में 5 टी20 मैचों का आगाज हुआ जिनमें से पहला मुकाबला दिल्ली के मैदान पर खेला गया, जबकि दोस्तों पहले भारतीय टीम के कप्तान थे केएल राहुल, जबकि केएल राहुल इंजर्ड होने की वजह से भारतीय टीम से बाहर हो गए। उसके बाद दोस्तों पहले टी20 मुकाबले में मजबूरन ऋषभ पंत को भारतीय टीम का कप्तान बनाना पड़ा, मगर दोस्तों ऋषभ पंत की कप्तानी में भारतीय टीम ने दोनों मुकाबलों को अपने हाथ से खो दिया और ऋषभ पंत ने दोनों मैचों में बहुत गलतियां की थी। मगर दोस्तों बीसीसीआई ने फैसला किया है कि तीसरे टी20 मैच में भारत की ओर से कप्तानी करेंगे हार्दिक पांड्या। गाइस आपको पता है कि आईपीएल 2022 का फाइनल मुकाबला हार्दिक पांड्या की टीम ने पहली बार में ही खिताब जीता था। गाइस आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके हिसाब से हार्दिक पांड्या को भारतीय टीम का कप्तान बनाना चाहिए या फिर नहीं।